नमस्कार, बिहार 24 सबसे सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज मैं मिथिला हाट में हूं, जहां एक अभिनव प्रयोग किया गया है मिथिला और मैथिलानी के लिए, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पर्व होता है मधुश्रावणी, उसी के लिए डाला सज्जा प्रतियोगिता यहां शुरू की गई है। आज चौथा दिन है। सभी महिलाओं को जिनकी नवविवाहिता है, वो अपने फूल की डाली लेकर के यहाँ आती हैं और प्रदर्शनी करती हैं। आप देख सकते हैं हमारे विजुअल में किस प्रकार मंच पर लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने डाली को सजा करके। ये जीवन का प्रथम अनुभव होता है। कहता है जीवन में कोई भी व्यक्ति पहला प्यार नहीं भूलते हैं। ये मधुश्रावणी भी उनका पहला ही प्यार है, क्योंकि ये जीवन में एक बार होता है, दोबारा फिर आता नहीं है। इसीलिए मधुश्रावणी के इस मैथिली संस्कृति को जीवंत रखने के उद्देश्य से मिथिला हाट जो काम कर रही है, उसी की एक कड़ी है ये मधुश्रावणी डाला सज्जा प्रदर्शनी। 25 तारीख से ये शुरू हुई है, 25 जुलाई से शुरू हुई है, 6 अगस्त तक चलेगी और विभिन्न आयाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। चूँकि हमारा चैनल हिंदी में है, मैं आपको हिंदी में संबोधित कर रहा हूँ। ये पूर्णतः मैथिली फोरम है और मैथिली भाषा की है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे जो कुछ जानकारी दे रहा हूं मैथिली भाषा में दूंगा। आप मैथिली भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, सुनने में थोड़ी सहजता लगेगी, क्योंकि ये मिथिलानियों के लिए फोरम है, मिथिला की संस्कृति का फोरम है। तो हम अब आवे छी मिथिला संस्कृति पर। अहाँ के हम मैथिली में संबोधन करे छी, मिथिला के परम्परा संस्कृति और कल्चर के जीवंत रखे के उद्देश्य से स्थानीय जे राजनेता छथि, अखन राज्यसभा सदस्य छथि, ओ मिथिला हाट के परिकल्पना केने छलथि। आई ई परिकल्पना साकार रूप से ई जगह बिहार पर्यटन विभाग के परिसंपत्ति है। ई कोना के शुरू भेल, जे जगह पर आई मिथिला हाट है, ओ जगह पर कहियो कालांतर में जंगल होइत रहै छल। अतः जे लोग छथिन ओ जनै छलथि जे बड़की पोखर के नाम से मशहूर बड़की पोखर के महार पर ई मिथिला हाट के निर्माण भेल। आई फिलहाल मिथिला हाट के चर्चा सुदूर जगह पर, सुदूर देहात के ई मिथिला हाट के चर्चा देश विदेश में भ रहल है। और मिथिला के कल्चर के लेल जे अतः सोचल गेल, जे सोच विकसित भेल, वही के अनुसार अतः बहुत किछ देखल जा रहल है। भनसाघर के कॉन्सेप्ट छे, आधुनिकता में पौराणिकता के मिश्रण के नाम छे मिथिला हाट। वही मिश्रण में आई ई मधुश्रावणी पर्व के हाईटेक कैल जा रहा है। आज तक जे मधुश्रावणी पर्व होइ छल गांव में, होइ छल गांव में जे मिथिलानी छथिन, नव विवाहिता छथिन, वो अपन सखी सहेली के संगे फूल लोड़े छलखिन। ई सोच नहीं छले जे कोनो एहन जगह पर एकरा प्रतियोगिता के रूप में देखल जाए। आज ई प्रतियोगिता के रूप में छे, अतः प्रशस्ति पत्र देल जा रहल छे, प्रमाण देल जा रहल छे और विभिन्न प्रकार के मंच पर सांस्कृतिक प्रोग्राम के बीच एकर आयोजन कैल जा रहा है। अय के लेल तमाम लोग मिथिला हाट के संचालन करता, अय सोच के लबे वाला लोग के विभिन्न धन्यवाद दे रहा छथिन। हम किछ लोग से अहाँ के बात करवा चाहे छी, आवाज के बीच में बहुत आवाज भ रहल है, तई आवाजे के बीच में हम उनका से बात केने छी। अहाँ सुनियो की सब कहे छथिन, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? जीवन का ये पहला अनुभव है, सम्मानित
संजय झा की सोच है, ये यहाँ के माननीय संजय झा की सोच है। अब आओ उन्हीं के साथ बहुत अच्छा किया है, जिससे कि हमारा जो मिथिला जो है बहुत प्राउड फील कर रहा है, और देश विदेश में हमारा मिथिला का नाम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ऐसे तो इसे बहुत अच्छा कर्म उनका है। ऋतु झा जी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो जीवन का पहला अनुभव है। प्रशस्ति पत्र को आप संभाल के रखेंगे, और कुछ कहना चाहते हैं नवविवाहितों को यहाँ आने के लिए? प्रतियोगिता होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को आके। नैना जी स्वागत है आपका, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि जो भी है, जो भी महिला है या कोई भी, सबको यहाँ पे आना चाहिए। ये फूल तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है जी। कितना समय लगा इसको लगाने में? कम से कम 15 से 20 मिनट लगा। निधि झा जी स्वागत है आपका, क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आके? बहुत अच्छा दिक्कत लग रहा है। इससे पहले आप सोचे थे जो ऐसे माहौल में हम जाएंगे? नहीं नहीं। चलिए आप, आपका नाम? स्नेहा झा जी। स्नेहा जी क्या लग रही है? दर्शक सब में जो लोग देखे छलखिन के मिथिला हाट में मधुश्रामणी डाला सज्जा प्रदर्शनी के चौथा दिन जे प्रथम विजेता वो तरडीहा के छथिन, डायरेक्ट हुनका से हम मिठू झा जी से बात करबे छी। मैं बहुत नीक लागल मिथिला हाट में आबि के, ई पता लगल छले जे प्राइज एते, सब जे केओ प्रथम विजेता हथिन से हुनका मिलते प्राइज। हमरा बहुत खुशी भेल जब प्रथम विजेता बनलहुँ हन। एहि के लेल हम सब सहभागी करै छी, सब आबत एहिठाम फूल लड़थु, सब अपन विजेता बनथु। मिठू जी एना आता आबे के छे आ मिथिला हाट में ई प्रतियोगिता छे, कत से जानकारी भेट? ई हम न्यूज पे सुनने रहे। अच्छा। न्यूज पे देखने रहे। न्यूज में देखने? हाँ न्यूज पे देखने रहे, वही सब देखलिए। हमरो सोचलिए जे हमहु सब एबै जाय मिथिला हाट के देखिए घूमिए फिरिए, पहले बार हम एलिए एठन तो घूम फिर बहुत निक लागल, आ दूसरे बार में प्राइज मिलल अच्छा से, बढ़िया प्रथम विजेता बनलहुँ, एहि के हमरा बहुत बहुत खुशी मिलल हमरा। अपने के कतय शादी भेलै? गोविंदपुर लहरियासराय, दरभंगा गोविंदपुर। अतवा एबे हुनका पतिदेव के पता छै? हाँ वो आयल छथिन। हमर नाम सुजीत कुमार झा भेल, हम अतः जे छै से अपन क्लास चलाबै छी सनेलिया क्लासेस के नाम सँ। हम विशेष कऽ अपन माँ सहित एलहुँ हन एहि दुआरे, ई प्लान मतलब प्रोग्राम द्वारे अखन एतै छी विशेष कऽ। संजय झा के जे कंसेप्ट छै विशेष कऽ के देखियौ, मिथिला खास कऽ के उत्तर बिहार के लेल, उत्तर बिहार के लेल किछु विशेष ओहि तरह के नहि छलै जे केओ प्रयास केलखी हँ। एहिसँ पहिले हो बहुत सारा चीज छलै, हुनकर पॉलिटेक्निक कॉलेज छनि, ई छै विशेष कऽ के, एहि पर तऽ खास कऽ विशेष भऽ रहल छै, विशेष अहाँ सब देखि रहल छी। अहाँके आबै के फोरम बनलै मिठू जी, अपने के कहने हथिन, केहन फील भेल? बहुत बढ़िया। आबि के केहन लागल? बहुत बढ़िया लागल। और अंत में प्रथम विजेता बन लिया? हाँ तो ये तो और बहुत खुशी की बात है। अहाँ सबके सभा बात से जे केओ अत नहीं एलखिन हुनका अपन अतुका अनुभव साझा कर की संदेश दे? नहीं एक्चुअली देखियो, हम चूंकि क्लास से जुड़ल छे तो हम लगातार मिथिला हाट के सेहो करै छी, एरिया से हमर बहुत सारा बच्चा है, और हम पहले प्रमोट करै छलहुँ मिथिलांचल के कल्चर के, और अखनो हम प्रमोट करब और विशेष कर के करब खास कर के मिथिला हाट। प्रथम विजेता जे छलखिन से अपना पति के संग आयल छले था, वो अपन अनुभव देले था, और जे एमे पार्टिसिपेंट छन जे सब एलखिन सब गोरे के सांत्वना पुरस्कार देल गेल, प्रशस्ति पत्र देल गेल, सब नवविवाहिता गदगद छथि, अतः आबि कऽ कऽ अतुका व्यवस्था से एकदम प्रसन्न छथि, और सीधा हुनका कहनाई छनि जे एक आई मिथिला हाट के जे बनेबाक सोच छनि ओहि सोच ओजपूर्ण व्यक्तित्व के ओ धन्यवाद दऽ रहल छथिन, और ई स्पष्ट रूपेण जे हिनका सबसे बात भेला और अन्य लोगों से जो बात भेला जिनका अहाँ सुनलिए ना सबटा के अपने सुन रहल छे, तो निश्चित रूपेण आज के जे ई माहौल छे ई माहौल में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी है। 6
अगस्त के अंतिम दिन छे जे क्यो बाहर में छी और हुनका एहि बेर विवाह भेल अछि मधुश्रावणी भ रहल नहीं आब तो हम कह दे छी अहाँ पछताएब जे बचल छी से आबि जाओ एहि उमंग में एहि माहौल के आनंद लिया और एकटा जीवन में पहिल बेर मधुश्रावणी होइ छै फर्स्ट एंड लास्ट अतः आबि क जे अनुभूति हैत जे प्रशस्ति पत्र मिलत जे फोटो रहत वो स्मरणीय रहत लोग ब्याह करे छै ब्याह के फोटो जन भर राखै छै मधुश्रावणी में आबि क जे फूल डाली के संगे फोटो हैत वो अहाँ के जन भर संगे रहत ताहि दुआरे सबसे निवेदन है आओ और ई जे मिथिला के कल्चर छै जे सोच छै मिथिला के संस्कृति के बढ़ावा दे के लेल मिथिला हाट जे के संकल्पित छथि उनका सब लोग संजय झा जी के धन्यवाद दे छथिन और सबसे पैघ बात ई छै जे ई पर्यटन विभाग के जे स्थल छै और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी भी झंझारपुरे के छथि और अतः से मिथिला के कल्चर के दिनानुदिन संरक्षण भ रहल छै एहि से बढ़िया बात किछु नहि हैत। तो नमस्कार, आप इस संदर्भ में कुछ भी कहना चाहेंगे तो एक नंबर जो मिथिला हाट प्रबंधन का है वो स्क्रॉल पर चलेगा, उससे आप विशेष जानकारी ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई बात कहनी हो तो आप हमें कमेंट करें, सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।